आसान कर देता हूं। क्या इतना गुरा भात करना पड़ेगा? अरे यार ये तो बहुत कटिंग हो गया। ये तो बिल्कुल स्कूल वाला टाइम आ गया। आसान करें। ये वीडियो मेरा देख लिया तो आपने लाइफ में कभी ये दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप दूसरों को एक्सप्लेन कर इस बात की गारंटी मैं देता हूँ हम सुनते हैं सिर्फ अपनी इज्जत की जिद है मेरा फितर जिद है मेरा हरूर जिद, जिद है मेरी जुर् सो हाय माय यूट्यूब फैमिली सो हाय माय यूट्यूब फैमिली कैसे आप सभी लोग मेरा नाम है देवेदन अग्रवाल और आप देख रहे हैं देवेदन अग्रवाल यूट्यूब ऑफिशियल चैनल दोस्तों ये वीडियो डेडिकेड है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट पे अगर आप वोल्टेज डिवाइडर सर्किट नहीं जानते हैं सो तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे से शॉर्ट टाइम में मैंने आपको बहुत सारा ज्ञान दिया है तो मेरी मेहनत और इस वीडियो और इस ज्ञान के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पर डाला हुआ है वीडियो की लिस्ट में देखो और आने वाले समय में देखो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नए फाइव जी सर्किट को सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अब बात करते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की तो दोस्तों डिवाइडर आपने समझा वो होता है क्या है डिवाइडर आप देख ये सड़कों वाला डिवाइडर नहीं है हालांकि सड़कों के डिवाइडर में क्या होता है जब हम जब हम एक स्पीड से चलते हैं तो हमारी वो जो डिवाइडर होता है वो वो हमारी जनरली स्पीड को रोक देता है क्योंकि उस टाइम पे अब वो डिवाइडर कितना बड़ा है तो जितना बड़ा वो डिवाइडर होगा उतना ही हम अपनी गाड़ी को स्लो करेंगे डिवाइडर ज़्यादा बड़ा होगा तो गाड़ी को हमारे कम स्लो करेंगे मतलब बेसिकली आप ये समझिए कहीं ना कहीं स्पीड कम करना कहीं ना कहीं कुछ वोल्टेज कम करना सो डिवाइडर मतलब डिवाइड कर देना कुछ तो होगा डिवाइडर में सो so, आज मैं आपको डिवाइडर का फॉर्मूला बताने वाला हूं और बताने वाला हूं कि डिवाइडर सर्किट मोबाइलों में बहुत जगह पे यूज़ किए जाते हैं पर आपको एक एग्जांपल पे एक जगह बताऊंगा थर्मिस्टर सो so, बेसिकली डिवाइडर सर्किट को टेम्परेचर की लाइन पे यूज़ किया गया है थर्मिस्टर की जगह पर हम अगर मैं डायरेक्ट आपको वो दिखाऊँ तो आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसलिए मैं सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर उसका रूल समझा दूँ फॉर्मूला समझा दूँ और वो सर्किट कैस कैसे क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट है ये समझा दूँ अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो आप बहुत आसानी से आपको कभी लाइफ में दूसरा है। अगर आप आ, अगर दोस्तों आपने वोल्टेज डिवाइडर सर्किट ये वीडियो मेरा देख लिया तो आपने लाइफ में कभी ये दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप दूसरों को एक्सप्लेन कर दोगे इस बात की गारंटी मैं देता हूँ दोस्तों क्या होता है सबसे पहली बात ध्यान रखिए मान लीजिए कि ये एक आईसी है मान लीजिए दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए मान लीजिए दोस्तों ये एक आईसी है और इस आईसी में यहां पर इस पैड पर इस पैड पर एक वोल्टेज निकल रहा है और ये वोल्टेज हम मानते हैं बी बैट ठीक है बी बैट और आपको पता है बी बैट पे हम एक रेफरेंस में चार वोल्टेज मान के चलते हैं इस आईसी से एक पैड से एक वोल्टेज लाइन जोड़ी है बी बैट अब मान लीजिए इस आईसी के इस पैड पर जिस इस पैड का नंबर है बी बारह और इस पैड का नंबर है ए बारह ठीक है पैड का हमें नंबर भी दे दिया है ना मान लेते हैं ये पी एम ए चलिए ये भी मान लेते हैं ये पी एम ए ठीक है अब मान लीजिए बी बारह के पैड पे आई को कोड इस कोडिंग इस तरह से की गई है कि आई ने अपना एक रिक्वायरमेंट बोला है उसने बोला है कि अगर तुम चार्जर लगाते हो अगर तुम चार्जर लगाते हो मान लीजिए आप चार्जर लगाते हैं ठीक है यहाँ पर आप देखिए आपने चार्जर दे दिया ठीक है और यहां पर चार्जर में आप देते हैं बी बस की लाइन कितने वोल्टेज प्लस फाइव और ये मान लीजिए मैं बोलता हूं सी बारह तो आईसी ने बोला अगर मेरे सी बारह पे एक पाँच वोल्टेज जाते हैं सो तो उस टाइम पे मैं ये भी चेक करूंगा कि हीटिंग कि कहीं पर क्योंकि एक्सटर्नल सोर्सेज से वोल्टेज दिए जा रहे हैं कहीं ऐसा तो ना हो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके सब बोर्ड पे कहीं हीटिंग हो रही हो क्योंकि क्योंकि हम बहुत अलग अलग प्रकार के चार्जर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कंपनी को थोड़े ना पता आप कौन सा चार्जर लगा रहे हो कंपनी का डेडिकेट या कोई एक फेक चार्जर या कोई एक डुप्लीकेट चार्जर या हाई एम्पियर चार्जर तो कोई भी रीजन से हीटिंग बढ़ सकती है तो कंपनी नहीं चाहती है कि वो अपने वो सी जो लगाया है उसने या जो और भी मेमोरी आईसी या जो आईसी लगाई है वो खराब हो हीटिंग की वजह से या डैमेज हो जाए या लीकेज हो जाए तो कंपनी ने उसमें एक सेंसर डाला है जिसको बोलते हैं हीटिंग सेंसर और जिसको हम बोलते हैं हीट सेंसर अगर मैं बोलूँ हीट सेंसर क्या होता है दोस्तों हीट सेंसर मतलब जो हीट को सेंस करे तो इसी के लिए उसने थर्मिस्टर लगाया अब उसको आधा नाम रखेंगे थर्म थर्म थरम, थरम थरम मतलब एक ऐसा रजिस्टर जो हीट को सेंस करे इसलिए थर्मिस्टर को हीट सेंसिंग रजिस्टर कहा गया ठीक है सो हम वोल्टेज डिवाइडर को समझ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इस पावर में बी बारह को एक बी बारह के पैड पर कंपनी ने आईसी को इस तरह से कोडिंग की है कि कंपनी ने यहाँ पर बोला कि मुझे पॉइंट नाइन वोल्टेज दोगे तो मैं ये समझूंगा कि मेरा सेंसर पॉइंट बिल्कुल ओके है मैं चार्जिंग को इनेबल रखूंगा और अगर मैं ये वोल्टेज मेरा अप हुआ या ये वोल्टेज मेरा अगर डाउन हुआ तो मैं ये समझ लूँगा कि मेरे को जो मेरा सेंसिंग लाइन है वो बढ़ गया है या घट गया है या तो ये हीटिंग की वजह से हो रहा है क्योंकि उसने इस लाइन पे हीट सेंसर रजिस्टर लगाया है एक ऐसा रजिस्टर जो हीट आने पर अपनी रजिस्टर अपनी रजिस्टेंस को बदलता है तो अपने रजिस्टेंस को बदलता है अब कम करता है या ज़्यादा करता है तो उसके लिए मैं एक नया टॉपिक बनाऊँगा वट इज़ थर्मिस्टर तो इसके लिए इंतज़ार जरूर कीजिएगा बट अभी फ़िलहाल कंपनी ने सर्किट की डिमांड ये है कि पॉइंट नाइन आया तो उसको लगेगा हाँ भाई सब सब कुछ ओके okay है और अगर ज्यादा आया तो उसको लगेगा यहाँ पर तो वो इस अगर ज्यादा आता है तो हो सकता है वो आपको एक एरर दे जिसमें यहां पर लिखे टेम्परेचर टू हाई आप देख रहे हैं यहां पर एक एरर देगा टेम्परेचर टू हाई अगर इससे कम वोल्टेज आया तो ये हो सकता है यहां पर एरर दे टेम्परेचर टू लो तो इस तरह से कंपनी ने आईसी पर प्रोग्रामिंग करके कोडिंग डाली है कि भैया आप वोल्टेज की रिक्वायरमेंट देखो इस तरह से कंपनी ने आईसीओ पर प्रोग्रामिंग करके कोडिंग डाली है कि आप वोल्टेज की रिक्वायरमेंट देखो अगर वोल्टेज आपको इससे ऊपर नीचे हुए सेंस हुए तो आप इस तरह से एरर दे सकते हैं तो अब कंपनी ने इस सेंस इस सेंस के लिए क्या लगाया बाहर किस तरह का कॉम्पोनेंट लगाया सो so बेसिकली मैं पहले डिवाइडर रजिस्टर को समझा देता हूं और फिर मैं एक बार थर्मिस्टर की एप्लीकेशन को समझा देता हूं तो उसके बाद थर्मिस्टर का एक अलग वीडियो भी बना दूंगा जिसमें और आपका क्लियर हो जाएगा तो इसको मान के चलो पार्ट वन पार्ट टू के वीडियो में ठीक है सो अब यहां पर पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन एक यहां पर वोल्टेज हमें देना है और एक ऐसी लाइन से देना है कि जहां हीटिंग हो तो ये वोल्टेज कम भी हो जाए ये वोल्टेज ज्यादा भी हो जाए सो so आपने देखा थर्मिस्टर दो प्रकार के आते हैं पीटीसी और एन पॉजिटिव थर्मिस्टर कोविशी नेगेटिव

जिसमें हम दो रजिस्टर यूज करते हैं इस तरीके से ये देखिए और एक और जो दूसरा रजिस्टर so, वाला लगा दो नीचे वाला लगा दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बट फर्क पड़ेगा जब आप एक बार लगा दोगे तब आप उसकी वैल्यू वेल मतलब उसकी वैल्यू रखो कि आप उसको क्या वैल्यू देना चाहते हो क्योंकि दोस्तों एक पर ग्राउंड होना चाहिए और एक पर वी इन मतलब एक तरह से वोल्टेज इन होना चाहिए तो कौन सा वोल्टेज यहाँ पर इन आप करने वाले हैं जो भी वोल्टेज आप इन करने वाले हैं आप उसी को आधा करेंगे अब जरूरी नहीं है मैं ये बोलूँगा आधा अगर आप अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो वो वोल्टेज कुछ और भी बन सकता है तो ये सब कुछ एक फॉर्मूले पर डिपेंड है सो तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊँगा तो मुझे यहाँ पर यहाँ पर एक वोल्ट चाहिए एक वोल्टेज चाहिए इन दोनों अगर मैं रजिस्टर के एक जगह इन करूँ और रजिस्टर को एक दूसरे रजिस्टर से जोड़ूँ और उसको ग्राउंड करूँ तो इन दोनों के बीच में बीच के पिन पर एक वोल्टेज बनेगा तो वो रज वो वोल्टेज ही एक तरह से सेंस वोल्टेज माना जाता है आई का कि आई सी इसी तरह से सेंस करवाती है अपनी लाइनों को अब वो भाई वी सी की लाइन हो अरे वो भाई आपके थर्मिस्टर की लाइन हो या बैट आइडिया कुछ भी जो लाइन हो वो आपको इस तरह से सेंस करवाएगी तो तब जाके जब दो रजिस्टर मिल जाएंगे और एक रजिस्टर ग्राउंड होगा और एक पेडिन आएगा तो बीच के कुछ अलग ही वोल्टेज निकलेगा तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आउटपुट क्या बनेगा सो so, यहां पर आप देखो यहां पर आपने इनपुट दे दिया और यहां पर आपने इनपुट वोल्टेज दिया और एक चेरा आपने ग्राउंड लगा दिया तो आउटपुट क्या निकलेगा तो ये डिपेंड करेगा इस फॉर्मूले पर सो so, यहां पर लिखेंगे V इन टू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू ध्यान दीजिएगा सो ये फॉर्मूला है अब आर वन आर वन कौन है आर टू कौन है तो हमेशा याद रखिएगा जिस रजिस्टर को आपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है तो ये ऑलवेज आपका आर टू माना जाएगा सो so, बचा क्या आर वन तो ये ऊपर वाला रजिस्टर है सो so, दिमाग में क्लियर रखो मैं आर वन कभी नहीं बताता मैं हमेशा आर टू बताता हूं फायदा मिलता है आप पहले एक रजिस्टर को ग्राउंड के साथ लगा दो फिर उसके दूसरे छोर को आप एक और रजिस्टर के साथ लगा दो तो जो भी आपने ग्राउंड के साथ लगाया है वो हो गया आर आर टू और जो आपने दूसरे छोर रजिस्टर के दूसरे छोर पर लगाया है इधर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका रजिस्टर है ये रजिस्टर है तो यहां से आपने एक दूसरा छोर और कनेक्ट किया ये ये कनेक्ट किया तो आपने इस सिरे को ग्राउंड कर दिया तो ये हो गया R2 और ये हो गया आपका R1 तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूं ये हो गया आपका R1 ठीक है अब R1 पे आप जितना वोल्टेज देते हो ये हो जाता है बेसिकली V ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आ, मान लीजिए यहाँ पर दिए पाँच वोल्टेज ठीक है कितने वोल्टेज फाइव और अब मैं क्या वोल्टेज चाहता हूं तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है दोस्तों ये सब कोई रिक्वायरमेंट पर निर्भर करता है तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर 2.5 वोल्टेज बने कितना वोल्टेज बने बताइए 2.5 पॉइंट so, सो अगर मुझे 2.5 वोल्टेज निकलवाना है तो मैं क्या करूंगा एक वन के का रजिस्टर लगा दूंगा और एक वन के का रजिस्टर लगा दूंगा और इनपुट में पाँच वोल्टेज दूंगा चलो अब इसका गुणा भाग करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है सो so, अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो आप सबसे पहले इनपुट देखिए पाँच Into आर टू की वैल्यू है वन और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू है वन इंटू वन के हम लिखेंगे नहीं ठीक है क्योंकि हम आ, इसको बुरा भात कर रहे हैं और के का तो कोई नंबर बनता ही नहीं है so, सो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तो ये हो गया फाइव अपॉन टू और अगर ये इसे कटेगा दोस्तों तो ये आ जाएगा टू पॉइंट फाइव सो बेसिकली क्या आ गया आपके पास हाथ में टू पॉइंट फाइव सो अब आपके पास आप अगर मान लीजिए पाँच बोल्ट नहीं है आपके पास अगर मैं बात करूं आपके पास यहां पर अगर आपके पास पाँच बोल्ट नहीं है आपके पास यहाँ पे दो बुलट है और आपको यहाँ पे पॉइंट नाइन निकलवाना है सो तो आपको यहाँ पर आर वन आर टू की वैल्यू अपने हिसाब से रखनी पड़ेगी अब आप कैसे रखेंगे सो तो आप इसके लिए भी मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ क्या इतना गुरा भात करना पड़ेगा अरे यार ये तो बहुत कठिन हो गया ये तो बिल्कुल स्कूल वाला टाइम आ गया ओह क्या करें चलो आसान कर देते हैं टेंशन मत लो बहुत आसान कर देते हैं दोस्तों एक ये समझ में आ गया एक को रिपीट कर दूं एक बार चालू कर देता हूं यह है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट डिवाइडर अलग अलग सो दो एक वोल्टेज को आप अलग कर सकते हैं और दो रजिस्टर लगा के जो भी जो भी सिरा ग्राउंड के साथ लगा है वो R2 बन जाएगा और उसके साथ ये R1 R1 पे वन कोई भी आपने वोल्टेज देना है पर ये डिपेंड करता है आपको आउटपुट क्या लेना है ठीक है सो ये होता है डिवाइडर रजिस्टर अब मैं बात करता हूँ दो दोस्तों यहाँ पर सो अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपके पास कोई एक इनपुट वोल्टेज है जैसे दो वोल्टेज है सो तो आप क्या करें ऐसा कि आपको आउटपुट आपके हिसाब से मिले सो तो दोस्तों यहाँ पर ना एक वेबसाइट बता आप गूगल में भी लिखेंगे ना वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर तो हजारों वेबसाइट आ जाएंगी एक वेबसाइट आप ये देखिए यहाँ पर भी देखिए ये बताया गया वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पर एक चिरा ग्राउंड के साथ सो तो आप अगर एक ग्राउंड मतलब यहाँ माइनस ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट इज़ अ वेरी कॉमन सर्किट हायर वोल्टेजर वोल्टेज लेता है एंड कन्वर्ट अ लोअर वन और जो हायर लेकर हायर लेकर जो आर वन से हायर लेकर एक करके बीच में ठीक है, दे है, for so, so है तो अगर हम बात करेंगे so है. जैसे मैंने बोला हमने पांच लिया था तो मैं यहाँ पर अगर फाइव डालता हूं देखिए मैंने फाइव डाला और जैसे यहाँ पर हमने रजिस्टर जो रजिस्टर डाला था वो वन के का डाला था सो आप यहाँ पे किलो भी लिख सकते हैं एम मतलब किलो भी कर सकते हैं दूसरा आर टू का रजिस्टर भी हमने वन डाला था और यहाँ पे हमने किलो डाला था अब आउटपुट देखेंगे सो देखिए टू पॉइंट फाइव आ गया मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि दो है आपने दो निकालना है और आपके पास दो है और अब देखिए कितना आएगा अगर मैं दो पे भी करूँगा देखिए तो पहले मैं ये हटा देता हूं ये हटा दिया अब यहां पर मैंने दो रखा सो देखिए यहां पर कितना आ जाएगा एक वोल्टेज मतलब लगभग पॉइंट नाइन तो आप क्या कर सकते हैं दो वोल्टेज को इन करके पॉइंट नाइन वोल्टेज भी बना सकते हैं बट आप ये रजिस्टर को कितना भी बदल सकते हैं आप यहां पर कुछ भी रजिस्टर डाल सकते हैं जैसे दो किलो यहां पर डाल दीजिए दो देखिए कितना बनता है उतना ही बना यहाँ पे इसको मेगा कर दीजिए चलिए और देखते हैं कितना बना उतनी बना मतलब कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है पर यह आप कैलकुलेशन कैसे निकालना है क्या निकालना है उनसे पूछिए जो आपके टीचर हैं वो आपको और बेहतर समझाएंगे सो so, और ये रजिस्टर कहाँ यूज हो रहे हैं तो जल्दी से एक बार देख लीजिए भाई यहाँ पर जो रजिस्टर यूज हो रहे हैं यह हमारे हीट सेंसिंग जो हमारी लाइन है जिसको हम टी मतलब थर्मिस्टर बोलते हैं बेसिकली आप नोटिस कीजिएगा ये देखिए यहाँ पर एच लिखा हुआ है तो so, ये बेसिकली इसके लिए मैं डेडिकेट वीडियो बना दूंगा यहाँ पे नोटिस कीजिए देखिए तो अगर मैं इसको भी एक बार और समझा दू उसके बाद मैं मैं वीडियो को डन करता सो so, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊ ये जो थर्मिस्टर है ये लगा हुआ है ठीक है अब यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखी है क्योंकि सैमसंग के बक्स है सैमसंग अपने बहुत से मॉडलों में अपनी किसी भी तरह के कॉम्पोडेंट की वैल्यू नहीं दिखाता है पर उसको निकालना आना चाहिए वो तरीका आपको सही व्यक्ति बताएगा सो so, यहाँ पर ये यह हो गया आर वन यहाँ पर ये आर टू की जगह काम कर रहा है और यहाँ पर ये यह एक वी आउट अब ए पी थरम ए पी थरम क्या है एप्लीकेशन प्रोसेसर मतलब ये प्रोसेसर का थर्म है अगर ये थरम अगर यहाँ पर मान लीजिए आपने आर वन को निकाल दिया या यहाँ पर आपका आर टू खराब हो गया या आपका आर टू निकल गया या कोई या इस पर वोल्टेज नहीं आया तीनों तीनों हो सकता है वोल्टेज नहीं आए ये निकल गया या ये निकल गया तो इसके वोल्टेज अप डाउन हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे अगर ये वोल्टेज नहीं आता तो जीरो रहेगा मतलब टेम्परेचर का इशू अगर ये निकल गया तो भी जीरो रहेगा मतलब टेम्परेचर का इशू इसकी वैल्यू अप डाउन हो गई तो यहाँ पे वोल्टेज अप डाउन हो जाएंगे मतलब टेम्परेचर का इशू सो तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे काम करता है किस तरह से, तरह से आपका आई सेंस करता है तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो बताएगा ज़रूर वीडियो में आपको किए वीडियो में मैंने की बहुत सारी मेहनत आप लोगों के लिए और आपको एक अच्छा पेड कंटेंट जो कि एक इंस्टीट्यूट अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं दे सकते मैंने खोल के डाला है सो so, मैं ये मेरे मेहनत और लगन के लिए एक वीडियो ला एक लाइक और एक कमेंट तो और यही चाहूँगा कि बने रहें चैनल के साथ और भविष्य बनाना है तो so, इसलिए टेलीकॉम के साथ भी बने रहें थैंक यू वेरी मच अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो क्या नाम है आपका अभी आप क्या करने वाले हैं इसका सी पी रहा हूँ। कौन सा तो फ़ोन है ये एम आई वाई वाई वन वाई वन है ये जी तो अभी आप इसका सीपी निकालने वाले हैं